Hello and welcome to Kids Haven Public School online classes. Today, from our NCERT book of Snapshot, chapter number 5, Mother's Day. This is for my grade 11 students. Mother's Day is a play that has been written by J.B. Priestley. Let's have an introduction to this chapter, Mother's Day. The play written by J.B. Priestley reveals how a mother's efforts are ignored by her family. It narrates how the family members who work 8 hours shifts a day look upon her, although she works for the whole day and all week. After all she does for them, they take for her granted. They make her feel obligated to provide for them and do not even appreciate her efforts. It revolves around how her friend, Mrs. Fitzgerald, who is a fortune teller, helps her earn the place and respect she deserves as the woman of the house. Mother's Day jo hai hamara chapter number 5, ye ek play hai. Theek hai, what is a play? Ek play hota hai jisme hamare paas kafi characters hote hai and jaise ki stage pe ye play kiya jata hai, present kiya jata hai. One by one सभी को अपने dialogues याद होते हैं and then वो बोलते हैं and present करते हैं. So ये जो ये play है इसमें ये दिखाया जाता है कि एक माँ जो होती है, ठीक है, उनके जो efforts होते हैं उनके घर वाले ignore कर देते हैं, मतलब नज़रअंदाज कर देते हैं. ये family जो है ये मतलब दिखाया जाता है कि जो family members हैं वो दिन में 8 घंटे की shift पे काम करते हैं लेकिन अपनी माँ को मतलब उन्हें ये ही नहीं फिक्र है कि वो तो पूरे दिन और पूरे हफ्ते काम करती हैं, उनके पास तो कोई 8 या 10 आवर की शिफ्ट तक नहीं है. वो उनके लिए सब कुछ करती हैं फिर भी उन्हें कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है, वो कोई अप्रिशिएट नहीं करते हैं. उन्हें ये लगता है कि जो माँ है बस उसकी जिम्मेदारी है कि उनके लिए प्रोवाइड करे, उनका खाना बनाए, सारे घर के काम करे, लेकिन उनके जो एफर्ट्स होते हैं उनके जो फैमिली वाले हैं वो देखते ही नहीं है. अब जो मदर हैं उनकी एक फ्रेंड है मिसेस फिट्ज़रल्ड जो कि एक फॉर्चून टेलर है. फॉर्चून टेलर कौन होते हैं? जो जैसे यू नो ताश के पत्ते होते हैं उनसे या एक क्रिस्टल बॉल होती है उसमें देख के हमारा हमारी किस्मत बताते हैं, हमारे फ्यूचर बताते हैं, हमारे साथ क्या होना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए अपने आप को यू नो अच्छा करने के लिए, एक अच्छी लाइफ बनाने के लिए. सो वो क्या करती हैं, जो इनकी फ्रेंड है वो ये चाहती हैं कि जो मदर हैं वो अपने फैमिली को एहसास दिलाएं इस बात का कि वो कितनी इम्पॉर्टेंट हैं, उन्हें रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए, ठीक है. एंड जो हमारे ऑथर हैं, चले इनके बारे में भी देख, जो हमारे ऑथर हैं, लेट्स लुक एट इट. द ऑथर जे बी प्रिस्ली, बॉर्न 13 सितंबर 1894 इन ब्रेडफोर्ड यॉर्कशायर, डाइड ऑन अगस्त 14, 1984. अब ये कौन थे? ये एक ब्रिटिश नॉवलिस्ट थे, मतलब कि जो नॉवेल्स लिखते हैं. ओके, बुक्स होती हैं थोड़ी स्टोरी बुक से बड़ी होती हैं, उनमें काफ़ी पेजेस होते हैं. सो नॉवलिस्ट जो नॉवेल्स लिखते हैं, प्ले राइट जैसे कि हमारा आज की जो हमारा चैप्टर है मदर्स डे, ये एक प्ले है. इसमें अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं, सबके अपने डायलॉग्स होते हैं, ठीक है. एसेइस्ट एंड देन नोटेड फॉर हिज वेरिड आउटपुट एंड हिज एबिलिटी फॉर श्रूड करेक्टराइजेशन. अब इनके जो वर्क होते हैं ना, जो रिजल्ट होता है इनके वर्क का, वो इतना परफेक्ट होता है कि जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं उसमें सबको उनके डायलॉग्स बहुत सूट करते हैं, ऐसा लगता है कि उन्हीं के लिए बनाए गए हैं. सो बहुत ही अच्छा वर्क होता था इनका, अब ये नहीं रहे हैं. सो आज हम इनका ये प्ले देखेंगे मदर्स डे, जिसमें काफ़ी कैरेक्टर्स हैं एंड सबको अपना अपना रोल्स दिया गया है. एंड चलें देखते हैं कि सीन क्या है इस चैप्टर का. ओके, सो नाउ द स्टोरी, मदर्स डे. ओके, so the following play is a humorous portrayal of the status of the mother in a family. Let's read on to see how Mrs. Pearson's family reacts when she tries to stand up for her own rights. So as humne introduction mein dekha tha ki ek family hai, theek hai, jahan par jo mother hai jinka naam hai Mrs. Pearson, उनकी फैमिली उनकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करती, यू नो उन्हें वैल्यू नहीं करती कि वो पूरे दिन पूरे हफ्ते काम करती हैं. उन्हें लगता है कि बस उनकी जिम्मेदारी और उन्हें काम करना ही करना है. अब हम नेक्स्ट क्या है, ये एक प्ले है, मदर्स डे एक प्ले है जिसमें हमारे कैरेक्टर्स हैं अलग अलग एंड इन सभी के
सीन्स एंड डायलॉग्स हैं। सो लेट अस बिगिन एंड देखते हैं कि कैसे ये मदर जब अपने हक की बात करती हैं अपने घर में तो उनकी फैमिली का क्या रिएक्शन होता है। ओके सो जो हमारे कैरेक्टर्स हैं, वी हैव मिसेस एनी पियर्सन, जॉर्ज पियर्सन, डोरिस पियर्सन, सिरिल पियर्सन एंड मिसेस फिट्जेरल्ड। नाउ मिसेस एनी पियर्सन जो है वो मदर हैं एंड मिसेस फिट्जेरल्ड उनकी फ्रेंड हैं जो एक फॉर्चून टेलर हैं। द एक्शन टेक्स प्लेस इन द लिविंग रूम ऑफ द पियर्सन्स हाउस इन अ लंदन सबर्ब। ओके जो ये सीन है हमारा, ठीक है, जो प्ले है ये लिविंग रूम मतलब जो बैठक होती है ना घर की, वहाँ पर हुआ है। अब का टाइम है एंड जो सीन है, चलो सीन समझ लेते हैं। द लिविंग रूम ऑफ द पियर्सन फैमिली, दोपहर का समय है, बैठक में बैठे हैं। इट इज़ अ कम्फर्टेबली फर्निश्ड मच लिव्ड इन रूम इन अ स्मॉल सबर्बन सेमी डिटैच्ड विला। छोटा सा घर है एंड बैठक जो है अच्छी है, अच्छी से फर्निश्ड है। ओके इफ नेसेसरी ओनली वन डोर नीड टू बी यूज बट इट इज बेटर विथ टू, वन अप लेफ्ट लीडिंग टू द फ्रंट डोर एंड द स्टेयर्स ऑन द अदर इन द राइट वॉल लीडिंग टू द किचन एंड द बैक डोर। अब आपको इमेजिन करना है एक बैठक है, ठीक है, यहाँ से दो दरवाजे निकलते हैं। जो पहला दरवाजा है इट इज ऑन द लेफ्ट साइड लीडिंग टू द फ्रंट डोर, ओके एंड जीना मतलब कि जो एंट्रेंस का दरवाजा है एंड देन वहां से जीना है। एंड जो राइट साइड में है दीवार, वहां से किचन का दरवाजा है एंड पीछे किचन है एंड उसके पीछे एक बैक डोर जिसे बाहर से बाहर निकलने का पीछे का दरवाजा। देयर कैन बी अ मुस्लिन कवर्ड विंडो इन द लेफ्ट वॉल एंड पॉसिबली वन इन द राइट वॉल। दोनों जो लेफ्ट एंड राइट साइड की वॉल्स हैं वहाँ पर खिड़कियाँ भी हो सकती हैं। देखते हैं, इमेजिन करें आप, द फायर प्लेस इज अज्यूम टू बी इन द फोर्थ वॉल। जो बैठक की चौथी दीवार है वहाँ पर एक फायर प्लेस है। फायर प्लेस क्या होता है, जिसमें लकड़ी जला के जलाते हैं ताकि घर गर्म रहे। देर इज अ सेटी अप राइट एंड आर्म चेयर डाउन लेफ्ट एंड वन डाउन राइट। ठीक है, सेटी क्या होता है ना, सोफा होता है ना, थ्री सीटर, एक वो रखा है एंड दो चेयर्स हैं, एक राइट पे एक लेफ्ट पे। ए स्मॉल टेबल विथ टू चेयर्स ऑन ईदर साइड ऑफ इट स्टैंड्स एट द सेंटर। एंड जो बैठक का बीच है बिल्कुल, वहां पर एक टेबल रखी है और दोनों आमने सामने कुर्सियां रखी हुई हैं उसके। ठीक है, एक छोटी सी टेबल है, एक कुर्सी उसकी राइट पे एक लेफ्ट पे, आमने सामने दो कुर्सियां रखी हैं। यह है हमारा सीन, इसे आप इमेजिन करें। एंड नाउ लेट अस बिगिन द प्ले। व्हेन द कर्टेन राइजेस इट इज आफ्टरनून इन एन अर्ली ऑटम एंड द स्टेज कैन बी वेल लिट। पर्दा हटने वाला है, चलें तैयार रहते हैं हम प्ले स्टार्ट करने के लिए। और जो स्टेज है काफ़ी रोशनी है इसमें। अब मिसेस पियर्सन जो कि मदर हैं वो राइट में बैठी हैं, मिसेस फिट्जेरल्ड जो लेफ्ट में है, ठीक है, उनकी फ्रेंड है। दो टी कप्स एंड सॉसर्स रखें। टी कप्स के नीचे जो एक तश्तरी होती है उनकी छोटी सी प्लेट, उसे कहते हैं सॉसर। एंड द कार्ड्स विद विच मिसेस फिट्जेरल्ड हैज बीन टेलिंग मिसेस पियर्सन्स फॉर्चून। कार्ड्स हैं, ठीक है, जैसे ताश के पत्ते होते हैं उसी तरह के कार्ड्स हैं। एंड मिसेस फिट्जेरल्ड फॉर्चून टेलर हैं, आई टोल्ड यू। तो वो मिसेस पियर्सन का जो फॉर्चून होता है ना उनके आगे का, वो बताने में लगी रहती हैं। मिसेस पियर्सन इज अ प्लेजेंट बट वरीड लुकिंग वुमन इन हर फोर्टीज। मिसेस पियर्सन जो है, जो मदर हैं इन सभी बच्चों की जिनकी फैमिली है, वो मतलब फोर्टीज में है, मतलब 40 से 50 के बीच में जो एज है वो होती है 40s। लेकिन वो काफ़ी परेशान लगती हैं, चेहरे से उन पर परेशानी दिखती है। एंड मिसेस फिट्जेरल्ड जो है वो उनसे बड़ी हैं, ठीक है, एज में, एंड काफ़ी हैवी एंड स्ट्रॉन्ग भी हैं, ठीक है, एंड सिनिस्टर पर्सनैलिटी। शी इज स्मोकिंग, इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, एंड वो स्मोक कर रही हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट दीज टू शुड हैव शार्पली कॉन्ट्रास्टिंग वॉइसिस। मिसेस पियर्सन स्पीकिंग इन अ लाइट फ्लरिड सॉर्ट ऑफ टोन विद अ टच ऑफ सबर्बन कॉकनी परहैप्स, एंड मिसेस फिट्जेरल्ड विद अ डीप वॉइस रादर आयरिश परहैप्स। अब देखें ये जो प्ले है, अब इसमें जो दोनों लेडीज बात करेंगी, आपको खुद ये फर्क समझना पड़ेगा। मैं ही आपको दोनों के कैरेक्टर सुनाऊंगी, डिफरेंस होगा मेरी वॉइस में, ये आपको ऑब्जर्व करना है। मिसेस पियर्सन जो हैं, जो कि मदर हैं, उनकी वॉइस बिल्कुल सॉफ्ट एंड स्मूथ होगी। एंड मिसेस फिट्जेरल्ड जो हैं, जो फॉर्चून टेलर हैं उनकी फ्रेंड, इनकी वॉइस लाउड होगी, कॉन्फिडेंस के साथ, यू नो, जैसे कमांड्स एंड ऑर्डर देते हैं उस तरह की वॉइस में होगी। ओके सो अब आपको ध्यान से सुनना है दोनों के कैरेक्टर्स को, किस तरह से मैं डिस्प्ले करती हूँ आपके लिए पोर्ट्रे। ओके सो ध्यान से सुनना,
मिसेस फिजरल स्टार्ट करेंगी कलेक्टिंग अप द कार्ड्स. अपने हाथ में ताश के पत्ते होते हैं, उन्हें इकट्ठा कर रही होती हैं एंड कहती हैं, एंड दैट्स ऑल आई कैन टेल यू मिसेस पियर्सन. Could be a good fortune, could be a bad one. All depends on yourself now. Make up your mind and here it is. अब ये कार्ड इकट्ठे हुए, मतलब बातें हो रही हैं. कहती हैं कि मैं इतना ही बता सकती हूँ, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है. अब आप पे ही डिपेंड करता है कि आप क्या चाहती हैं. अब मिसेस पियर्सन कहती हैं, यस थैंक यू मिसेस फिजरल्ड, आई एम मच ऑब्लिग्ड. आई एम श्योर इट्स वंडरफुल हैविंग A real fortune teller living next door. Did you learn that out east too? अब मिसेस पियर्सन जो है मैं थैंक यू कहती हैं और उन्हें बताती हैं कि बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है कि लिविंग नेक्स्ट डोर मतलब कि पड़ोस में ही रहने वाली एक फॉर्चून टेलर हैं, ये बहुत अच्छी बात है. तो क्या जब आप बाहर थी ये भी आप वहीं से सीख कर आई थी, यू नो उनसे पूछती हैं. अब देखें ये दोनों बैठी हैं यहाँ पर, मिसेस पियर्सन एंड मिसेस फिजरल्ड. ओके अब आगे देखते हैं कि आगे क्या होती है इनकी बातचीत. मिसेस फिजरल कहती हैं, आई डिड 12 ईयर्स अहेड ऑफ इट विद माय ओल्ड मैन राइजिंग टू बी लेफ्टिनेंट क्वार्टरमास्टर. ही लर्नड अ लॉट एंड आई लर्नड अ लॉट मोर. बट विल यू मेक अप योर माइंड नाउ मिसेस पियर्सन डियर. पुट योर फुट डाउन वंस एंड फॉर ऑल एंड बी द मिस्ट्रेस ऑफ योर ओन हाउस एंड द बॉस ऑफ योर फैमिली. मिसेस फिजरल बताती हैं कि हाँ ये मैंने सीखा था 12 साल पहले, ठीक है. एंड जो मेरे फादर थे वो एक लेफ्टिनेंट क्वार्टर मास्टर थे, मैं उन्होंने सीखा था और मैंने उनसे भी ज़्यादा सीखा था. लेकिन मिसेस पियर्सन अब आपकी बारी है, अब आपको अपने घर की बॉस बनना है, अपनी फैमिली को दिखाना है कि आप बॉस हैं, ठीक है. सो अब आपको कॉन्फिडेंस के साथ ये कदम उठाना होगा. अब मिसेस पियर्सन थोड़ा यू नो शर्मिंदगी से मुस्कुराते हुए कहती हैं, दैट्स ईजियर सेड देन डन. बिसाइड्स आई एम सो फॉन्ड ऑफ देम इवन इफ दे आर सो थॉटलेस एंड सेल्फिश. दे डोंट मीन टू बी. मिसेस पियर्सन एक बात कह रही होती हैं, बीच में मिसेस फिजरल भी उनकी बात काट देती हैं. लेकिन पहले देखते हैं कि इन्होंने क्या कहा. वो मतलब बॉस तो बनना चाहती हैं, लेकिन वो ये भी कहती हैं कि ये कहना आसान है, करना ज़्यादा मुश्किल है. एंड जो मेरे घर वाले मेरी फैमिली, मुझे उनसे बहुत प्रेम है, चाहे वो बिल्कुल नहीं सोचते मेरे बारे में, ठीक है, या चाहे वो सेल्फिश हैं, मतलब कि यू नो जैसे कि लालची हैं या उन्हें अपने काम से मतलब है, इसका ये मतलब तो नहीं. एंड मिसेस फेडरल उनकी बात काट के कहती हैं, मे बी नॉट बट इट हैड बी बेटर फॉर देम इफ दे लर्नड टू ट्रीट यू प्रॉपरली. कि चाहे कुछ भी हो उन्हें ये सीखना पड़ेगा कि आपके साथ अच्छा बर्ताव करें. मिसेस पियर्सन, यस आई सपोज इट वुड इन अ वे. कि हाँ मैं भी यही मानती हूँ कि सही रहेगा अगर वो अच्छे से बर्ताव करें. मिसेस फिजरल्ड, नो डाउट अबाउट इट ऑल. हु इज द बेटर फॉर बीइंग स्पॉइल्ड ग्रोन मैन लैड और गर्ल? नोबडी. यू थिंक इट डज देम गुड व्हेन यू रन आफ्टर देम ऑल द टाइम, टेक देयर ऑर्डर्स एज इफ यू वर द सर्वेंट इन द हाउस, स्टे एट होम एवरी नाइट व्हाइल दे गो आउट एंजॉयिंग देमसेल्व्स. Never in all your life. It's the ruin of them as well as you. Husbands, sons, daughters should be taken notice of wives and mothers, not giving them orders and treating them like dirt. And don't tell me you don't know what I mean, for I know more than you have told me. अब मिसेस फिजरल्ड उन्हें बातें कहती हैं कि बिल्कुल आप खुद सोचो कि आपने कितना बिगाड़ दिया है इनको, ठीक है, वो आपके हस्बैंड हो, बेटा हो या बेटी हो, और आप उनके पीछे दौड़ी रहती हो पूरे दिन, उनके ऑर्डर्स लेती रहती हो जैसे कि आप नौकर हो. आप हर रात घर में रहती हो जबकि वे बाहर अपने घूमने जाते हैं, एंजॉय करते हैं, ठीक है, और तुम कभी नहीं गई. उनकी भी बर्बादी है और तुम्हारी भी बर्बादी है. रून का मतलब होती है बर्बादी. हस्बैंड्स, सन्स एंड डॉटर्स, ठीक है, इन लोगों को ये नोटिस करना चाहिए कि जो बीवियाँ होती हैं और माएँ होती हैं वो ऑर्डर्स लेने के लिए नहीं होती, या उन्हें कि कूड़े की तरह नहीं ट्रीट किया जाता है. एंड तुम तो ये जानती हो, मैं तो इससे भी ज़्यादा जानती हूँ, ठीक है, जितना तुमने मुझे बताया मैं उससे भी ज़्यादा जानती हूँ. मिसेस पियर्सन कहती हैं, आई कीप ड्रॉपिंग अ हिंट, ठीक है, थोड़ा उदास होके दुखी होके कहती हैं कि मैं अक्सर एक आध हिंट देती हूँ, मतलब कि मैं उन्हें दिखाने की कोशिश करती हूँ, समझाने की कोशिश करती हूँ कि मैं भी हूँ. हिंट, It's more than hints your family needs, Mrs. Pearson.
मिसेस फिट्ज़रॉल्ड को थोड़ा गुस्सा आता है, वो कहती हैं हिंट, मतलब सिर्फ हिंट देती हो, अरे हिंट से ज़्यादा चाहिए तुम्हारी फैमिली को मिसेस पियर्सन। अब मिसेस पियर्सन थोड़ी और यू नो साइलेंटली एंड थोड़ी और सोच के थोड़ा सा बोलती हैं, आई सपोज इट इज़ बट आई डू हेट एनी अनप्लीजेंटनेस एंड इट इज़ सो हार्ड टू नो वेयर टू स्टार्ट। I keep making up my mind to have it out with them, but somehow I don't know how to begin. अब देखें, वो कहती हैं कि हाँ तुम्हारी बात सही है, लेकिन जो unpleasantness होती है, मतलब कि जैसे घर का माहौल ख़राब हो जाता है ये बात करके कि देखो मैं भी हूँ, तुम्हें इज्जत नहीं करते, उन्हें ये सब पसंद नहीं है और उन्हें ये भी बहुत मुश्किल लगता है कि वो कहाँ से शुरू करें बात। ठीक है, मैं आई कीप अप मेकिंग माई माइंड, मतलब कि मैं हर बार डिसाइड करती हूँ कि उनसे बात करूँ, पर आई डोंट नो हाउ टू बिगिन, मुझे ये नहीं समझ में आता कि मैं शुरू कहाँ से करूँ। फिर मिसेस पियर्सन अपनी घड़ी देख के कहती हैं, ठीक है ये अगर वॉल क्लॉक है, ओ गुड ग्रेशियस लुक एट द टाइम, नथिंग रेडी एंड दे विल बी होम इन अ मिनट एंड प्रोबेबली ऑल इन अ हरी टू गो आउट अगेन। अब वो समय देखती हैं कि कितने बजे, और फिर एकदम बोलती हैं कि अरे इतना वक्त हो गया, कुछ भी तैयारी नहीं की मैंने, वह कभी भी आ सकते हैं और दोबारा बाहर जाने की जल्दी में भी होंगे। ओके और वो उठने वाली होती हैं, लेकिन मिसेस फिट्ज़रॉल्ड उनको यू नो अक्रॉस द टेबल, मतलब कि उठकर उन्हें वापस बिठा देती हैं। मिसेस फिट्ज़रॉल्ड कहते हैं, लेट देम वेट और लुक आफ्टर देमसेल्व्स फॉर वंस, दिस इज वेयर योर फुट गोज डाउन, स्टार्ट नाउ। शी लाइट्स अ सिगरेट फ्रॉम द वन शी हैज जस्ट फिनिश्ड। मिसेस फिट्ज़रॉल्ड उन्हें दोबारा बैठाती हैं कि उन्हें इंतज़ार करने दो या उन्हें अपना काम खुद करने दो, एक बार ही सही, दिस इज़ वेयर योर फुट गोज डाउन। देखो फुट होता है हमारा पाँव, इसका लिटरल मीनिंग है कि हम मतलब पैर नीचे रखें, लेकिन इसका मतलब ये है कि आप मत करो, आप रुको, उन्हें खुद करने दो और अभी शुरू करो। ठीक है, और ये बोलते हुए वो अपनी सिगरेट जलाती हैं। अब मिसेस पियर्सन शर्मिंदा होते हुए कहती हैं, मिसेस फिट्ज़रॉल्ड आई नो यू मीन वेल, इन फैक्ट आई एग्री विद यू, बट आई जस्ट कांट एंड इट्स नो यूज़ यू ट्राइंग टू मेक मी, इफ़ आई प्रोमिस यू I would really have it out with them. I know I would not be able to keep my promise. अब मिसेस पियर्सन उन्हें बताती है कि हाँ मैं मानती हूँ कि तुम अच्छा ही कह रही हो, इनफैक्ट तुम सही कह रही हो, लेकिन यहाँ तुम ये कोशिश मत करो। मैं अगर वादा भी कर लूँ कि मैं उन्हें बताऊँगी या उनसे बात करूँगी, मुझे पता है कि मैं नहीं कर पाऊँगी। मिसेस फिट्ज़रॉल्ड कहती हैं, देन लेट मी डू इट, तुम मुझे करने दो। अब मिसेस पियर्सन, ओ नो थैंक यू वेरी मच मिस फिट्ज़रॉल्ड, बट दैट वुडन्ट डू एट ऑल, इट कुडन्ट पॉसिबली बी समबडी एल्स, दे वुड रिसेंट इट एट वंस एंड वुडन्ट लिसन, एंड रियली आई कुडन्ट ब्लेम देम, आई नो आई ऑट टू डू इट, बट यू सी हाउ इट इज। शी लुक्स अपोलोजेटिकली अक्रॉस द टेबल स्माइलिंग रादर मिजरेबली। अब जब मिसेस फिट्ज़रॉल्ड कहती हैं कि चलो मैं कर दूंगी, मैं उनसे बात कर लूंगी, मिसेस पियर्सन एकदम यू नो घबरा के कहती हैं कि अरे नहीं नहीं बहुत बहुत शुक्रिया मिसेस फिट्ज़रॉल्ड, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो कोई और नहीं कर सकता, करना मुझे ही होगा। ठीक है, कोई और करेगा तो वो बिल्कुल नहीं मानेंगे, सुनेंगे भी नहीं, और उनकी भी क्या ख़ता, करना मुझे ही चाहिए। ठीक है, लेकिन देखें इतना आसान नहीं है। वो बड़ी दुखी होके एक यू नो स्माइल देती हैं, लेकिन दिख रहा था कि वो स्माइल भी ज़बरदस्ती वाली थी। हम मिसेस फिट्ज़रॉल्ड थोड़ा कूलली यू नो थोड़ा कहती हैं, यू हैवंट गॉट द आइडिया, तुम बात को समझे नहीं हो। मिसेस पियर्सन, ओह आई एम सॉरी आई थॉट यू आस्क्ड मी टू लेट यू डू इट। मिसेस पियर्सन कहती हैं, ओह सॉरी मुझे लगा तुम ये कह रही हो कि तुम बात करना चाहती हो। मिसेस फिट्ज़रॉल्ड, आई डिड बट नॉट एज मी एज यू, हाँ मैं करना चाहती थी लेकिन अपनी तरफ से नहीं, तुम बनकर, मतलब तुम्हारी जगह से। मिसेस पियर्सन, बट आई डोंट अंडरस्टैंड यू कुडन्ट बी मी, पर मैं समझी नहीं तुम मैं तो नहीं हो सकती। अब मिसेस फिट्ज़रॉल्ड का आइडिया देखो क्या है, वो कूलली कहते हैं, वी चेंज प्लेसेस और रियली बॉडीज, यू लुक लाइक मी आई लुक लाइक यू। अब मिसेस फिट्ज़रॉल्ड का आइडिया देखें कि हम जगह बदल लेते हैं या हम बॉडी बदल लेते हैं, हम शरीर बदल लेते हैं, तुम मेरे जैसे लगती हो मैं तुम्हारी जैसे लगती हूँ। मिसेस पियर्सन, बट दैट्स इम्पॉसिबल, ये तो नामुमकिन है। अब मिसेस फिट्ज़रॉल्ड, हाउ डू यू नो एवर ट्राइड इट, तुम्हें कैसे पता, कभी कोशिश की। मिसेस पियर्सन, नो ऑफकोर्स नॉट, नहीं बिल्कुल नहीं।
अब मिसेस फिजल क्या कहती हैं? I have not for some time, but it still ought to work. Won't last long, but long enough for what we want to do. Learned it out at East, of course, where they are up to all these tricks. She holds her hand across the table, keeping the cigarette in her mouth. Give me your hands, dear. अब देखें मिसेस फिजल क्या जादू करती हैं? वो कहती हैं, हाँ काफ़ी समय हो गया ऐसा किया नहीं, लेकिन ज़्यादा समय नहीं लगेगा और जो काम हमें करना है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। ये भी मैंने सीखा था कि इस तरह की चालाकियाँ कैसे करते हैं। वो मिसेस पियर्सन के दोनों हाथ अपने हाथ में ले लेती हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ क्या होने वाला है। मिसेस फिजल मिसेस पियर्सन की जगह लेने की सोच रही हैं। ठीक है, ऐसा प्लान बना रही हैं ताकि वो मिसेस पियर्सन के घर वालों को एहसास दिलाएं कि जो मदर होती है, जो बीवियाँ होती हैं, वो नौकर नहीं होती घर में। ओके, अब मिसेस पियर्सन काफ़ी घबराई हुई होती हैं। वेल आई डोंट नो, इज इट राइट, यू नो, कि क्या हम सही कर रहे हैं। अब मिसेस फिजल क्या कहती हैं? इट्स योर ओनली चांस, गिव मी योर हैंड्स एंड कीप क्वाइट अ मिनट, just don't think about anything. Taking her hands, now look at me. They stare at each other, muttering, arshtatha dum, arshtatha lam dum buna. अब देखें मिसेस फिजल क्या कहती है कि तुम्हारा एक ही मौका है, अपने हाथ मेरे हाथों में दो और एक मिनट के लिए बिल्कुल चुप रहो और ज़्यादा कुछ मत सोचो। उनके हाथ लेती है अपने हाथों में और कहती है कि मेरी तरफ देखो। अब एक दूसरे की तरफ घूरते हुए, ठीक है, मटरिंग मतलब के दांतों के बीच में, यू नो, बीच दबा के बोलना, मिसेस फिजल ये बोलती हैं, अष्टता दम, अष्टता लम दम बना। ओके, दिस लिटिल सीन शुड बी एक्टेड वेरी केयरफुली। जब ये सीन किया जाता है तो ये काफ़ी ध्यान से किया जाता है, क्योंकि हमें ये समझना है कि जो ये पर्सनैलिटीज़ है ना दोनों, इनके शरीर अदल बदल होंगे। और ये जो ये बोला था ना, अष्टता दम अष्टता लम, ये एक स्पेल है, स्पेल एक मंत्र जैसा होता है। ठीक है, एंड दोनों औरतें जो हैं एक दूसरे के हाथ पकड़ी हुई होती हैं, जैसे कि उनके अंदर से उनका वो उनकी रूह उनकी आत्मा निकल चुकी है और फिर सडनली दोनों में दोनों जिंदा हो जाती हैं और वो अदल बदल हो जाती हैं। ठीक है, मिसेस फिजल मिसेस पियर्सन बन जाती है और मिसेस पियर्सन मिसेस फिजल बन जाती है और दोनों एक दूसरे के अब मैनर्स एंड वॉइसेस भी अडॉप्ट करेंगे। अब मिसेस पियर्सन बोल्ड है, डोमिनेटिंग है और मिसेस फिजल नर्वस हैं। ठीक है, एक दूसरे की अदल बदल हो चुकी है। अब ऑब्जर्व करना, जब मैं धीरे से बोल रही थी मिसेस पियर्सन बन के, अब मेरी आवाज़ हो जाएगी मिसेस फिजल वाली, और मिसेस फिजल वाली जो पर्सनालिटी थी जिसमें मैं ज़ोर से एंड कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही थी, वो अब मिसेस पियर्सन वाली धीमी धीमी हो जाएगी। ओके, सो मिसेस पियर्सन जो कि अब मिसेस फिजल बन चुकी हैं, See what I mean, dear? She notices the cigarette. Here, you don't want that. She snatches it and puts it in her own mouth, puffing contentedly. अब वो कहती है कि देखा ये मैंने ये किया था, ये था मेरा मतलब। ठीक है, अब देखें जो ओरिजिनल मिसेस फिजल थी वो सिगरेट पी रही थी ना, लेकिन अब वो मिसेस पियर्सन बन गई हैं तो वो सिगरेट निकाल के उन्हें दे देती हैं मिसेस फिजल को कि ये तुम्हें चाहिए होगा, ये मुझे नहीं चाहिए अब। ओके, मिसेस फिजल जो कि अब मिसेस पियर्सन की पर्सनालिटी में है, अपने आप को देखती हैं और देखती हैं कि उनका शरीर बदल चुका है और एक चीख सी निकलती है, ओ इट्स हैपेंड। ओके, कि हाँ ये तो हो गया। मिसेस पियर्सन, ऑफ कोर्स इट हैज हैपेंड, वेरी नीट, डिडंट नो आई हैड इट इन मी। ठीक है, अब वो मिसेस पियर्सन भी कहती हैं कि हाँ हो गया, अदल बदल हो चुका है। मिसेस फिजल, But whatever shall I do, Mrs. Fitzgerald? George and the children can't see me like this. अब वो भूल जाती हैं कि वो Mrs. Fitzgerald बन चुकी हैं और कहती हैं कि मैं क्या करूं? George and the बच्चे, मतलब बच्चे जो हैं हमारे, वो मुझे ऐसे नहीं देख सकते। अब Mrs. Pearson, they aren't going to. That's the point. They will have me to deal with. Only they won't know. अब Mrs. Pearson जो है उन्हें समझाती है कि कोई बात नहीं, उन्हें सब बर्दाश्त करना पड़ेगा क्योंकि अब वो मैं डील करूंगी उनके साथ और उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि मैं कौन हूँ। मिसेस फिजल अभी भी थोड़ा यू नो चौंकी हुई थी और कहीं, बट व्हाट इफ ही चेंज बैक, इट वुड बी टेरेबल, अगर हम दोबारा वापस नहीं बदल पाए बहुत ही भयंकर हो जाएगा। मिसेस पियर्सन बोलती हैं, हियर स्टीडी मिसेस पियर्सन, इफ यू हैड टू लीव माई लाइफ इट वुडंट बी सो बैड, यू वुड हैव मोर फन एज मी देन यू हैव हैड एज यू। वो कहती है कि कोई बात नहीं ना मिसेस पियर्सन,
तुम मेरी जिंदगी जी लेना, जो कि काफी मजेदार होगी, इंटरेस्टिंग होगी, उतनी नहीं होगी एज पर यू नो, वो उन्हें बताती है कि मेरी लाइफ ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तुम्हारी तो बोरिंग थी। मिसेस फिजरल्ड, यस बट आई डोंट वॉन्ट टू बी एनी वन एल्स, कहती है कि हाँ लेकिन मुझे कोई और नहीं बनना है। मिसेस पियर्सन, नो नाउ स्टॉप वरिंग, इट्स ईजी चेंजिंग बैक, आई कैन डू इट एनी टाइम यू वॉन्ट। मिसेस फिजरल्ड, वेल डू इट नाउ। वो कहती है कि अच्छा छोड़ो, परेशान होना छोड़ो, कभी भी वापस बदल सकते हैं, मैं कभी भी कर सकती हूँ, मैं अभी भी कर दूंगी। वो कहती है कि ओके अभी कर दो, ठीक है। मिसेस पियर्सन, नॉट लाइकली, आई हैव गॉट टू डील विद योर फैमिली फर्स्ट, दैट्स द आइडिया इजंट इट, डिडंट नो हाउ टू बिगिन विद देम यू सेड, आई विल शो यू। कन्फ्यूज मत होना, जो सेकेंड पार्ट है इसमें मिसेस पियर्सन जो है वो मिसेस फिजरल बनी थी, ओके, एंड मिसेस फिजरल जो थी फॉर्चून टेलर वो मिसेस पियर्सन बन चुकी हैं, सो कन्फ्यूज मत होना बिल्कुल भी। अब यहाँ पर जो ये कहती है ना कि आपकी फैमिली के साथ मैं डील करूंगी, यही तो हमारा प्लान था, तुम्हें ये नहीं पता था कि तुम कैसे शुरू करो उनसे बात, लेकिन अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी। मिसेस फिजरल जो कि मिसेस पियर्सन है, पर मैं क्या करूंगी। मिसेस पियर्सन, गोइंग टू माई हाउस फॉर अ बिट, देयर इज नो बॉडी देयर, देन पॉप बैक एंड सी हाउ वी आर डूइंग, यू ऑट टू एंजॉय इट, बेटर गेट ऑफ नाउ बिफोर एनी ऑफ देम कम्स। मिसेस पियर्सन बताती है कि मेरे घर में जाके रह लो, वहां कोई नहीं है, फिर वापस आ जाना देखने के लिए कि यहाँ क्या हो रहा है, तुम्हें तो मजा आएगा, ठीक है, अब जल्दी जाओ इससे पहले कि कोई आ जाए। मिसेस फिजरल्ड नर्वसली राइजिंग, यू नो वो थोड़ी परेशान सी थी, नर्वस थी कि उनकी जगह दूसरी औरत ने ले लिया, वो उनके घर वालों से डील करेगी, ओके तो कहती है कि आई सपोज दैट्स बेस्ट एंड यू श्योर इट विल बी ऑलराइट, सब ठीक रहेगा ना। मिसेस पियर्सन चकलिंग, जो एक बहुत ही ना शरारती मस्ती वाली हंसी होती है, इट विल बी वंडरफुल, नाउ ऑफ यू गो डियर, बड़ा मजा आएगा, अब तुम जाओ, ठीक है। जो सेकेंड पार्ट है वो हम सेकेंड वीडियो में स्टार्ट करेंगे, एंड विच इज गोइंग टू बी मोर इंटरेस्टिंग।